शांत एंड आई एम फिजिक्स टीचर। बेटा फिर से स्टार्ट होते हैं हम लोग। हमने पहले पार्ट फर्स्ट किया था न्यूमेरिकल का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, और आज पार्ट टू लेके आए आपके लिए। बहुत ही घातक क्वेश्चंस होंगे, जब रजिस्टर्स किस में लगे होंगे, सीरीज में लगे होंगे और पैरेलल में लगे होंगे। तो अपना जल्दी से हाथ थामो, कॉपी पेंसिल लो और आज हम न्यूमेरिकल आगे बढ़ाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके, जब रजिस्टर्स लगे होते हैं सीरीज में और किस में लगे होते हैं पैरेलल में। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम आती है माय चैनल इज एनकेवी फिजिक्स क्लासेस के नाम से, कोई प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके बच्चों तक। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही घातक क्वेश्चन। पहले हम लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूं, जब हमारे पास रेजिस्टेंस लगा होता था, रेजिस्टेंस लगा होता था किसमें, सीरीज में लगा होता था तो हमने दो कंडीशन पढ़ी थी। क्या क्या कि भैया पहली कंडीशन क्या थी, करंट जो जाएगा वो क्या जाएगा, सेम जाएगा। दूसरा पोटेंशियल क्या होगा, हर एक टर्मिनल पे कितना होगा, V1 और V2 मतलब डिफरेंट होगा। क्लियर। जब हम लोगों ने सीरीज पैरेलल पढ़ा था कि भैया दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं R1 R2, तो हमने दो कंडीशन पढ़ी थी। पहली कंडीशन क्या पढ़ी थी, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या होगा, वो सेम होगा, और आपका जो करंट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा हर एक टर्मिनल पर। तो छोटी सी चीज ये पढ़ी थी, यही दोनों चीज लेके हमें चलना है आज और हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। क्या बोले, ठीक है? ठीक है, तो बेसिक से लेके चलते हैं हम लोग। होम फ्लो सबको पता था, होम फ्लो क्या होता था, V=YR। हमने लास्ट वाले लेक्चर में से न्यूमेरिकल किए थे, दो तीन किए थे जो न्यूमेरिकल। आई होप कि आप लोगों ने उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल लगा लिए होंगे और आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। अब पहले बात करता हूं सीरीज की, जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं। मैं ले लेता हूं छोटे छोटे पॉइंट ले लेता हूं। मेरे पास तीन रेजिस्टेंस है R1। ठीक है, हमारा सारे के सारे मेन क्वेश्चन हमारे एक कॉन्सेप्ट पे होंगे, वो होगा हमें क्या निकालना, फाइंड वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, पहला तो ये फाइंड वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दूसरा हम लोग ले लेते हैं करंट, ले लेते हैं करंट। ठीक है, दूसरा करंट, सारे के सारे क्वेश्चंस में यही क्वेश्चन होंगे और कुछ बीच में डिफरेंट करा दूंगा वो आप देखते रहो। यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास तीन रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3। कितने रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टेंस। R1 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 5 ohms, R2 की वैल्यू भी 5 ohms, R3 की वैल्यू मान लेता हूं मैं 4 ohms। ठीक है, R1 की वैल्यू 5 ohms, R2 की वैल्यू 5 ohms, R3 की वैल्यू कितनी, 4 ohms। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या निकालना, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमें पता है भैया, कहां पता है, कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगे होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या आता है, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना सीरीज वाला, करार था, ओके। तो यहां से कितना हो गया, 5 + 5 + 4 कितना हो गया, 14 ohms। कितना निकल गया आपके पास, R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 14 ohms। क्या बोले, सही बोले, ठीक है जी। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चोर बढ़ा देते आगे, वो कह रहा है कि इसको कनेक्ट कर रखा है आपने एक पोटेंशियल से, बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। किससे कनेक्ट कर रखा है, बैटरी, जो कि आपका चल रहा है कितना मान लेता हूं मैं, 200 volt। कितनी, 200 volt। अब वो क्या कह रहा है दूसरे पार्ट में, वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। आप लोगों को एक बहुत भयंकर फॉर्मूला पता था, कौन सा भयंकर फॉर्मूला, होम्स लॉ। वो क्या कहता है, V=IR। ये कहता है V=IR, तो V कितना आपके पास, 200। I आपको निकालना है, R इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया कितना आया, 14। ठीक है, तो आपके पास I की वैल्यू कितनी आ गई, 200/14। तो I = कितना हो गया, 200/14, जो काट रहा पार्ट 2 7 14 200। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 100/7 ampere। ऐसा यूनिट लिखना मत भूलना वरना मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, और बहुत जरूरी वाला पाप चढ़ेगा अगर ऐसा यूनिट नहीं लिखी। तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया
ये ना आपके पास करंट निकल गया, ये ना कोई दिक्कत कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है समझ आया सीरीज वाला। एक और करें, एक और करें, चलो इस बार ले लेते हैं चार कर लेते, ठीक है चार कर लेते, ये कर लेना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ये कब है जब रेजिस्टेंस किसमें लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, याद रखना ठीक है। ओके ओके सुन बन गई तारे सितारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, ठीक है क्या मतलब। चार रेजिस्टेंस है, चार रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4, मैंने मान लिया कि सबके सब कितना है, चलो अलग वैल्यू ले लेता हूँ उसमें, फिर क्या होगा सर जी एक जैसी वैल्यू ले लेते हो, आप भी पता नहीं क्या हद करते हो। लो मैंने ले लिया 2 ohms, इसमें भी ले लिया मैंने कितना 3 ohms, ठीक है जी आप सही रहेगा बहुत बड़े, और इसमें ले लेता हूँ मैं कितना 10 ohms, ये ले लिया मैंने 10 ohms, ठीक है। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपको क्या निकालना है पहले इन सबका, ये बताओ करंट जो जाएगा वो पूरे सर्किट में कितना जाएगा, सेम जाएगा, जब पूरे सर्किट में करंट सेम जाएगा, ठीक है पूरे सर्किट में करंट सेम जाएगा तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा आपके पास, जब आप लोग क्या होता है फॉर्मूला लगाओगे आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये लगाओगे ठीक है। यहाँ पर आपके पास R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 + 3 + 10 + 5 कितना हो गया 15 20 20 ohms, तो आपके पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी निकल गई 20 ohms। अब आगे क्या कह रहा है, इससे मैं क्वेश्चन को और बढ़ा दूंगा आगे, पहला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हो गया होगा मतलब जी, इसको क्वेश्चन को मैं एक चीज और बढ़ा दूंगा आगे ध्यान देकर। मुझे क्या निकालना है, तो दूसरे पार्ट में करंट निकालना, करंट का फॉर्मूला V = IR, आर इक्विवेलेंट क्लियर, तो आपके पास V कितना है 200, IR आपको निकालना है, आर इक्विवेलेंट कितना निकाल लिया 20, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू कितनी आ गई I = 200/20, 0 0 2 1 2 2 1 2, तो आपके पास कितना आ गया I की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 10 ampere, ठीक है। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकाल लिया, फिर आपने करंट की वैल्यू निकाली बाय द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ V = IR। अब एक क्वेश्चन और बढ़ा देता हूँ मैं आगे, क्या करूंगा लेना, मैं इस क्वेश्चन को बढ़ा रहा हूं आगे, वो क्या कहेगा कि ईच टर्मिनल फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच टर्मिनल ऑफ रजिस्टर, ठीक है। अब आपको वो कह रहा है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हर एक टर्मिनल पर, और मैंने आपको बताया था कि जब सीरीज में लगे होते हैं रेजिस्टर्स तो करंट तो सेम जाता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है, तो मतलब यहां से यहां तक का मैं मान लेता हूं, इसमें कितना जाएगा यहां से यहां तक B1, इसमें कितना जाएगा B2, इसमें कितना जाएगा B3, इसमें कितना जाएगा B4 जाएगा, ठीक है बहुत बढ़िया, यहां तो बता दिया पूरा ठीक है। अब यहां देखो आगे, हर एक इंडिविजुअल पॉइंट पर मेरे को क्या निकालना है, बी निकालना है। आपके पास दोबारा फॉर्मूला क्या आता है ओम्स लॉ का, हमें V1 निकालना है, V2 निकालना है, V3 निकालना है और V4 निकालना है, तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला V1 = I2 सेम ही रहेगा और क्या होगा R, किस पे निकाल रहे हैं इस पे, उसी तरीके से V2 = I R2, उसी तरीके से V3 = I R3, क्लियर है कोई दिक्कत नहीं। V की वैल्यू क्या आपके पास, V की वैल्यू निकालनी है, I की वैल्यू कितनी निकाल लिया हमने 10, 10 × R1 की वैल्यू कितनी है 2, कितना हो गया 20 volt, क्लियर। ऐसा यूनिट लिखना मत बोलना वरना मार्क्स कट जाएंगे। I की वैल्यू 10, R2 कितना है इस पे 3, तो हो गया आपके पास कितना 30 ohms, क्लियर। V3 निकालना है, I की वैल्यू कितनी चल रही है आपके पास 10, I सेम होता है, और R की वैल्यू कितनी होगी आपके पास R3 की वैल्यू 10, R3 की वैल्यू कितनी होगी 10, तो यहां पर कितना हो गया 100 ohms। अब ये देखो कितना हो गया आपके पास 100 ohms, अभी V4 रह गया, V4 = IR4, आपके पास I की वैल्यू कितनी है 10, R4 की वैल्यू कितनी है 5, यहां कितना हो गया 50 ohms,
ठीक है। अब यहां देखो, कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में, तो कैसे पहचानोगे? यहां देखो, हमारे पास ये टोटल कितना है 200, टोटल कितना है हमारे पास 200, तो यहां ये सारा का सारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अगर मैं सबको प्लस करूंगा तो 200 ही आना चाहिए भाई, ये आपका 200 वोल्ट था, ये तो डिवाइड हुआ जाके ऊपर, तो यहाँ पर अगर मैं सब चीजों को प्लस करता हूँ V1, V2, V3, V4 को, तो आंसर कितना चाहिए 200। याद है ये कितना है 20 प्लस 30 50 50 और 100 150 150 और 50 कितना हो गया 200। मतलब आपकी कैलकुलेशन सही है और आपको मिलते हैं चार नंबर पूरे, कितने मिलते हैं चार, मेरी तरफ से, ठीक है मेरी तरफ से। तो कोई प्रॉब्लम आई इस क्वेश्चंस में नहीं आई, इनसे सीरीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों को लगा दे रहे हैं और आग लगा दे रहे, क्या लगा दे रही आग, ठीक है बहुत पढ़े पोस्टर को बता देगा भैया पोस्टर भी उतार लेगा, तूने का दिल लगाया। ठीक, अब बात करता हूं मैं किसकी, पैर किसकी बात आती है, अब पैरेलल सर्किट, ठीक है। अब क्वेश्चन वही रहेगा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड द करंट, ठीक है। अब मैं यहां लगा लेता हूं कितना, तीन रेजिस्टेंस लगा देता पहले हम सिंपल लेके चल रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सॉल्यूशन करने में, और दोबारा समझा रहा हूं कि इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं 101% आते हैं, तो आपको कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है ठीक है ना, ठीक है ठीक है सर जी, ठीक है आपको सर जी बेकार परेशान कर देगा हमका। अब याद देखो आपके पास इसी सर्किट को, ठीक है अब याद है, यहां पर इस जो सर्किट है आपके पास सस्ता सा गन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा ये सर्किट है आपके पास, ठीक है। अब ये आपके पास करंट ये पैरेलल में लगे हुए, पता चल गया किसमें ये पैरेलल में, R1 की वैल्यू 2 ohms, R2 की वैल्यू 2 ohms, R3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 ohms। यहां हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और क्या निकालना है आपको, करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कितना 200 वोल्ट। अब ये देखो क्लोज सर्किट है पूरा, तरह से करंट भी निकलेगा, जब करंट निकलेगा इसमें मैंने दो पॉइंट याद रखो, क्या थे दो पॉइंट, जब पैरेलल में होगा तो करंट डिवाइड हो जाते हैं हर एक रेजिस्टर के हिसाब से, और पोटेंशियल क्या रहता है उसका सेम ही रहता है, क्या रहता है सेम। अब यहां से करंट निकला तो करंट यहां कितना जाएगा I1, इसमें कितना जाएगा I2, इसमें कितना जाएगा I3, क्लियर है, इसमें कितना जाएगा I3। तो यहां पर हमें पहले वैल्यू क्या निकालनी है, सॉरी रजिस्टर की वैल्यू निकालने, कौन सा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब कोई भी सर्किट पैरेलल में लगा होता है, रजिस्टर पैरेलल में लगे होते हैं, तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना चाहिए, कौन सा 1/R = 1/R1 R2 R3। तो कैसे है, तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, क्लियर है ठीक है। तो 1/R equivalent की वैल्यू आपको निकालनी है, 1/R1 कितना है 2, ठीक है, R2 की वैल्यू 2 और ये कितना है 1, 1/2 + 1/2 कितना होता है आधा प्लस आधा कितना होता है 1, तो हो गया 1, ये 1 थी ऑलरेडी, कितना हो गया 2, तो 1/R equivalent की वैल्यू कितनी आ गई 1/R equivalent = 2। बच्चे यही गलती कर देते हैं बबुआ, काहे देखो 1/R equivalent को क्या लिख देते हैं वो 2, लेकिन बेटा हमें वैल्यू किसकी निकालनी है R equivalent की, तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा इसका रेसिप्रोकल या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां नहीं छोड़ना है। तो आपके पास R equivalent की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, रेसिप्रोकल हो गया या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो R equivalent को क्या लिख सकता हूं 0.5 ohms, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, करंट की, किसकी बात करते हैं, करंट की बात करते हैं। सीधा फॉर्मूला कौन सा होता है आपके पास, V = IR equivalent, V की वैल्यू क्या आपके पास 200, I आपको निकालना है, R equivalent की वैल्यू कितनी आई है 1/2, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो I की वैल्यू कितनी आ गई 200 × 2, तो I = कितना हो गया 400 एम्पीयर, कितना हो गया 400 एम्पीयर।
ये आपका जो करंट आया है वो कौन सा करंट आया है? ये वाला करंट आया है। कौन सा करंट आया है? ये वाला करंट। लेकिन अगर वो पूछ लेता है कि इक्विवेलेंट हर एक रजिस्टर पे कितना करंट ड्रॉ हो रहा है या फिर जा रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू बताओ। मैं बात करता हूं I1, I2, I3 की। अगर मुझे I1 निकालना है, ठीक है, I1 निकाला तो होम्स लॉ के अकॉर्डिंग V आपका सेम होता है, V की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है, I1 निकल जाएगा, ऑब्वियसली निकल जाएगा। तो निकालते काहे नहीं हो, निकालते काहे नहीं हो बबुआ, निकालो ना। चलो अभी निकाल देते हैं। देखो तो यहां पर आपके पास कितना हो गया, अगर मैं I1 की वैल्यू निकालता हूं, होम्स लॉ क्या कहता है, V = IR, तो I की वैल्यू कितनी हो गई, V/R। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, I1, I1 R1, क्लियर। तो V की वैल्यू कितनी आपके पास, 200 अपॉन R1 कितना है, 2 2 2 2 2, तो I1 कितना हो गया आपके पास, 100 एम्पीयर। क्लियर हो गया बेटा, कोई दिक्कत, सिंपल है, हो जाए प्रैक्टिस। तो I2 की वैल्यू निकालनी है, V/R2, V कितना है 200, R2 भी कितना है 2, तो I2 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 100 एम्पीयर। कोनो दिक्कत। इसी तरीके से क्या निकालो, I3, तो आपके पास V/R3, V कितना है 200, R3 कितना है 1, तो करंट कितना निकल गया, 200 एम्पीयर। कितना निकल गया, 200 एम्पीयर। सिंपल है, कोई दिक्कत। अरे देखो, हमारे पास टोटल करंट जो निकला था ये कितना निकला था, 400, ठीक है, ये कितना निकला था आपके पास करंट, 400। अब भैया ये 400 ही, अगर कैलकुलेशन अगर आपको लगती है कि मिस्टेक तो नहीं है तो कैसे चेक करोगे, यहां भी I भी कितना था 400, अब यही तो डिवाइड हुआ है सब में, तो यहां से जब निकलेगा ये करंट, यहां से जब निकलेगा तो भी कितना निकलेगा, 400 निकलेगा जितना यहां पे ड्रॉ हुआ, ठीक है। तो ये डिवाइड कितना हुआ, अभी देखो 100 + 100 कितना होगा, 200 और 200 कितना होगा, 400। मतलब हमारी कैलकुलेशन क्या है, बिल्कुल सही। आपको मिलते हैं पूरे 25 पैसे। क्या मिलते हैं, 25 पैसे, क्योंकि आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, कोनो दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया। ये आपके सीरीज और पैरेलल था, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वाले करते हैं जिसमें सीरीज भी हो और पैरेलल भी हो, फिर थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, बहुत खतरनाक वाले अब तक बहुत सिंपल थे, ठीक है। कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन अच्छी रखना आपने, और अगर अच्छा लग रहा है चैनल, अगर अच्छा लग रहा है आपको लेक्चर, तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बच्चों से। तूने काजल लगाया दिन में, रात हो गई दिन में, रात हो गई। चल बड़े आगे, ठीक है, चलो अब बात करते हैं। यहां पर हमारे पास एक रजिस्टेंस, हम दोनों कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, सीरीज का भी और पैरेलल का भी, बहुत ध्यान से समझना ताकि बहुत ही अच्छे से समझ आए आपको, कोनो दिक्कत नहीं आ रही की हमरे रहते हुए, ठीक है जी, ओके जी, ओके सर जी, ठीक है। मेरे पास सीरीज है और मेरे पास पैरेलल है, ठीक है, मेरे पास पैरेलल है और मैं बना देता हूं ये खोपचा सा, छोटा छोटा सा, नन्ना मुन्ना सा, मोरा सर्किट है, मोरा सर्किट है। कैसे लग रहा है सर्किट, बढ़िया सा है ना, फोटो मत खींच लेना, इसकी नजर लग जाएगी ना, ठीक है। तो यहां पर, यहां पर आपके पास सर्किट दे रखा है कुछ इस टाइप से, देखो दोनों सीरीज में, ये दोनों क्या है पैरेलल में, और ये क्या आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कितना, 200 वोल्ट, ये आपको की दे रखी है, तो जैसे की क्लोज किया से करंट तो हो जाएगा। निकालना क्या है दोबारा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और क्या निकालना है आपने, करंट निकालना है, क्या निकालना है, करंट, ठीक है। तो यहां सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको जब भी कुछ ऐसे सर्किट मिल जाए तो सबसे पहले ये देखना है कि पैरेलल कहां लगे हुए, कहां लगे हुए पैरेलल, ये लगे हुए पैरेलल। पहले हम इस पैरेलल को क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम लोग, एक रेजिस्टेंस। अब सपोज करते, देखो मेरे पास ये दोनों पैरेलल था, मेरे पास दोनों पैरेलल थे,
इसका फॉर्मूला क्या होता था, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर आर वन आर टू, यही था। तो मैं क्या निकालता था, मैं यहां से क्या निकालता था, आर इक्विवेलेंट निकालता था ठीक है। तो जब ये आर इक्विवेलेंट हो गया तो मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस क्या बन गए, एक बन गए, दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गए एक। तो सर्किट कैसे ड्रॉ हो सकता है ये वाला, ये कुछ ऐसे, मतलब आर इक्विवेलेंट, ठीक है। मतलब हमने इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक सिंगल रेजिस्टेंस। जब भी कोई पैरेलल रेजिस्टेंस आपको दिख जाए तो सबसे पहले उसे एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दो, क्या कर दो, सिंगल रेजिस्टेंस। और सिंगल रेजिस्टेंस में कब करोगे, जब आपको फॉर्मूला पता होगा, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री एंड सो, ठीक है। तो दिमाग में चीज याद रखना, जब भी जहां भी पैरेलल दिख जाए उसे एक रेजिस्टेंस बनाओ पहले, चाहे वो तीन रेजिस्टेंस लगे हो या चार लगे हो, उन चारों को एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करो बाय हेल्प ऑफ पैरेलल सर्किट रेजिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर आपके पास पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसे आराम समझना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल, अगर ये समझ आ गए तो इससे रिलेटेड इतने सारे न्यूमेरिकल आपके सॉल्व हो जाएंगे, पूछो ही मत, ठीक है। तो यहां ये दोनों किसमें लगे हुए हैं, पैरेलल में, क्योंकि पूरे सर्किट में दोनों है पैरेलल में। मुझे क्या करना है, इसे एक बनाना है, और एक बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना है। वो क्या हो गया, वन अपॉन आर, इसे मान लेता हूं आर डैश, कितना, वन अपॉन आर डैश इजिकल टू कितना हो गया, वन अपॉन आर थ्री प्लस वन अपॉन आर फोर, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो वन अपॉन आर डैश ये कितना हो गया, आर थ्री की वैल्यू टू, आर फोर की वैल्यू भी टू, ये कितना, आधा प्लस आधा कितना हो गया एक, ठीक है। तो आर डैश वन अपॉन आर डैश इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, वन अपॉन आर डैश इक्वल्स टू वन। तो मतलब आर डैश कितनी वैल्यू आ गया आपके पास, वन होम्स, आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, वन होम्स। अब ये याद रखो, देखो अब ये क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस बन चुका है, क्या बन गया ये, एक रेजिस्टेंस। अब मैं इसे यहां ड्रॉ कर रहा हूं दोबारा, देखो कैसे हो गया ये, ये कुछ ऐसे हो गया, या आपके पास आर वन की वैल्यू कितनी है, फाइव होम्स, आर टू की वैल्यू कितनी है, फाइव होम्स, और यह भी कितना हो गया आर डैश, ये दोनों एक बन गया, ये हो गया एक, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या निकली है, वन होम्स, कितनी निकली है, वन होम्स। कोई दिक्कत, बहुत सही, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं, हमरे रहते हुए हमारी अटारी आप, क्या हो गया समझ आ गया बिल्कुल, ठीक है। अब ये देखो, अब आगे देखो, ये तीनों किसमें लग रहे हैं आपको, पैरेलल में, सीरीज में आ गए, नहीं आ गए, ठीक है। अब सीरीज वाला हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, आर इक्विवेलेंट हमें दिमाग में ये चीज रखनी है, हमें क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट, और कैलकुलेशन बहुत सही होनी चाहिए वरना पाप चढ़ेगा। आर इक्विवेलेंट अगर मैं निकालता हूं सीरीज वाले फॉर्मूले से, आर वन प्लस आर टू प्लस आर डैश, कितना हो गया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर डैश, आर वन की वैल्यू कितनी है, फाइव फाइव, और ये कितना है, वन, कितना हो गया ये, इलेवन। तो आपके पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 11 ओम्स, हमारे पास इसका आंसर आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का 11 ओम्स। अब वो क्या निकालना है, करंट निकालना, कितना निकालना है, करंट, करंट वाला फॉर्मूला लगा दो, V इक्वल्स टू क्या, आई आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी आपके पास, 200, आई आपको निकालना है, आर इक्विवेलेंट कितने निकली, 11। तो एक काम करते हैं 220 ले लेते हैं इसे, तो ये हो गया आपके पास 220, तो आई इक्वल्स टू कितना हो गया, 220, 11 बनते 11, 11 हो जाए। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, I इक्वल्स टू 20 एम्पियर, कितना आ गया, I इक्वल्स टू 20 एम्पियर, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आप लोग लगा सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बढ़िया सा घातक सा टनाटन वाला, ठीक है। अब यहां देखिए बेटा, बहुत ध्यान से देखते रहना, फायदा आप ही का है, बहुत बढ़िया, अच्छा सर जी, अच्छा जी, ओके, ओ माय गॉड, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लू हासिल, लगे है यही तो शोक दिल में पल जियो, तेरे संगियों चाहे जो कल मेरा, उसे तेरे संगियों चाहे।
चलो ठीक है, हमारे पास देखो सर्किट है, कुछ नया नजर आ रहा है सर्किट में, कंफ्यूज हो गए, हो गए कंफ्यूज, कैसे कंफ्यूज हो गए? देखो बेटा कॉन्सेप्ट ध्यान सुनना, बिल्कुल ध्यान सुनना, कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट है, बच्चे क्या करते हैं छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन बहुत सिंपल है ये, तो बहुत ज्यादा सिंपल है, याद है ये वायर है, ये वायर है क्या, इसके ऊपर पहले इंपॉर्टेंट देख लो, जब कोई गांठ बन जाती है ना, सपोज करते हैं कि मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, मेरे पास एक रस्सी है, रस्सी में मैं गांठ बांध देता हूं, उसी रस्सी में दूसरी रस्सी बांध देता हूं, फिर गांठ बांध देता हूं, उसी रस्सी में तीसरी रस्सी बांध, कुछ इस टाइप से देखो, चलो तुम्हारे लिए अपना ईयरफोन ही ले लेता हूं, देखो सपोज करो मैंने यहां से इस, ये मेरी रस्सी है, ठीक है, मैंने यहां से गांठ बांधी, बांधी फिर मैंने यहां से बांधी गांठ, फिर मैंने क्या बांधी यहां से गांठ, अभी देखो क्या ये रेजिस्टेंस सीरीज में है पैरेलल में, ये देखो ये पैरेलल में, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे, जब भी गांठ बन जाती है, नॉड बन जाती है, ठीक है, चाहे वो यहां से हो चाहे वो यहां से, तो हमेशा बच्चे याद रखना कि वहीं से पैरेलल सर्किट की शुरुआत हो जाती है, क्या हो जाती है, पैरेलल सर्किट की शुरुआत हो जाती है। अब यहां देखो ये गांठ बन गई, ये भी गांठ बन गई है, अब अगर मैं इन दोनों को और इन दोनों को कंपेयर करता हूं, मतलब ऊपर वाले को और इस वाले को कंपेयर करता हूं, ये दोनों एक दूसरे के कंपेयर में क्या है, सीरीज में, पैरेलल में, पैरेलल में, लेकिन ये देखो आर वन और आर टू क्या यहां पर कोई गांठ बन रही है, दूसरी साइड से गांठ बन रही है, नहीं बन रही, ये तार को ऐसे मोड़ रखा है, तार को क्या कर रखा है, कुछ इस टाइप से मोड़ रखा है, इस टाइप से, अगर मैं उसे ऐसे कर दूं तो क्या होंगे, सेम ही होंगे, सेम ही होंगे ना, तो ये तार ऐसा है, उसको मैंने ऐसे कर दिया, देखो ये देखो यहां पे कोई गांठ नहीं बनी, एक ही तार है, इसे मैं अगर ऐसे कर देता हूं तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा, लेकिन यहां पर गांठ बंधी हुई है, यहां से एक और लाइन खींची हुई है, एक और सर्किट है, यहां से भी सर्किट है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, लेकिन ये एक दूसरे क्या है, किसमें है, ये पैरेलल में, किसमें है, पैरेलल, समझ आ रहे हो, सर्किट है, ये दोनों पहले देखो किसमें, ये दोनों किसमें, सीरीज में, ठीक है, सीरीज वाला फॉर्मूला लगा लो, आर इक्विवेलेंट मान लिया, आर इक्विवेलेंट को कितना हो गया, आर वन प्लस आर टू, ठीक है, तो आर डैश की वैल्यू कितनी होगी, फोर प्लस फोर कितना हो गया, एट होम्स, आर डैश की वैल्यू निकल गई, सिंपल, ठीक है, आ जा रहे ये दोनों किसमें है, ये और ये भी सीरीज में, ठीक है, ऐसे ले लेते हो आर डबल डैश, तो कितना हो गया, आर थ्री प्लस आर फोर, ये हो गया टू प्लस टू इक्वल्स टू कितना हो गया, फोर होम्स, कितना हो गया, हाँ फोर होम्स हो गया, ठीक है, टू प्लस टू कितना हो गया, ये फोर होम्स। अब ये देखो ये क्या है, इन दोनों का सर्किट, इन दोनों रेजिस्टेंस का, इन दोनों रेजिस्टेंस का एक ही रेजिस्टेंस बन गया, एक रेजिस्टेंस, अगर मैं सर्किट डायग्राम इसी का सर्किट डायग्राम ले लो कैसे बनाऊ, ये आपके पास है, ये कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे है, ये कुछ ऐसे है, ये कुछ है, ये क्या है, आर वन इक्वल टू फोर होम्स, आर टू इक्वल टू कितना है, फोर होम्स, आर थ्री इक्वल टू कितना है, टू होम्स, आर फोर कितना है आपके पास, टू होम्स। अब तो समझ आया, अब देखो इन दोनों को मैंने कुछ, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, क्या कर दिया, बिल्कुल ऐसे कर दिया, इन दोनों को कर दिया कुछ ऐसे, अभी दोनों सीरीज में मैंने फॉर्मूला लगा दिया, दोनों सीरीज में है मैंने फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन ये पूरा सर्किट और ये पूरा सर्किट एक दूसरे क्या है, पैरेलल, क्या है ये, एक दूसरे के पैरेलल, तो मैं मेरे पास ये लेकर गया, ये उतार लिया, तो मेरे पास आर डैश कितना आ गया, वो आ गया एट, और आर डबल डैश कितना आ गया, वो आ गया फोर। मैं यहां दोबारा सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं, अब सर्किट देखो क्या हो गया, सर्किट डायग्राम, अब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल बन गए भाई, इन दोनों का क्या बन गया, एक, इन दोनों का क्या बन गया, एक, तो यहां पर आपके पास कितना हो गया, ये हो गया दिस वन, आर डैश की वैल्यू कितनी होगी, एट होम्स, और आर डैश डबल डैश की वैल्यू कितनी है, फोर होम्स। क्लियर, ये दोनों एक बन चुके हैं, तो सर्किट कैसे हो गया, कुछ इस टाइप से हो गया, यहां से आपका पोटेंशियल ज्वाइन है, वो कितना है पोटेंशियल आपके पास, 220। क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब आपके पास सर्किट कैसा हो गया, आपके पास सर्किट ड्रॉ हो गया कुछ ऐसा, और सिंपल हो गया, अब आपको पता लग रहा है दोनों किसमें है, ये सीरीज में, पैरेलल में, पैरेलल में, तो यहां पर आपके पास कितना हो गया,
वन अपॉन आर ट्रिपल डैश मान लेता हूं, दोनों एक बना लो, इसे एक बनाने में क्या करोगे, आर डैश प्लस वन अपॉन आर डबल डैश, ठीक है। तो वन अपॉन आर डैश की वैल्यू कितनी है एक, वन अपॉन आर डबल डैश की कितनी है फोर, क्लियर करो इसे, ऐसे हम ले लो, कितना हो गया वन प्लस टू अपॉन एट, यहां पर कितना हो गया थ्री अपॉन एट, तो वन अपॉन आर डबल डैश ट्रिपल डैश क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आर ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी आ गई एट अपॉन थ्री होम्स, कितनी आ गई एट अपॉन थ्री होम्स। ये आपके पास आर इक्विवेलेंट का आंसर आ गया, किसका आर इक्विवेलेंट का, लेकिन अब सर्किट आर इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। आर आपको निकालना क्या है करंट, तो करंट का फॉर्मूला क्या है वी इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, वी कितना था 220, आई आपको निकालना था, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू एट अपॉन थ्री, तो 220 इंटू थ्री अपॉन एट कितना करंट फोर, टू 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 फोर जा एट, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू फाइव जा टेन, टू फाइव जा टेन, तो कितना आ गया 55 इंटू थ्री अपॉन टू करंट आया, मल्टीप्लाई करो 35 जा 15, 35 जा कितना हो गया मल्टीप्लाई करके 35 जा 15, 35 जा 15, 16 अपॉन टू आई, तो आई अगर काटना चाहते हो काट लो, 21 जा 2, 28 जा 16, 22 जा 4, 25 जा 10, तो 82.5 एम्पियर आपके पास कितना आ गया आंसर है, क्लियर हो गया बच्चे, बहुत ही सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद करने हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल की उतना ही ज्यादा आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप नीचे कमेंट सेक्शन कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कीजिए, आज के लिए रखते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन से नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, सर हमें क्वेश्चन नहीं आया तो हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे, आज के लिए रखते हैं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि सर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है, आज के लिए रखते हैं, जय हिंद जय भारत।